बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुमरा टेक्निकल टी वाले तमाम मदद नज़र मोहतरम को मेरी तरफ़ से असल उम्मीद करता हूँ से होंगे अलमदिल्ला आपकी दोनों से लब करम से मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोलनस के रेफ्रिजरेटर के बारे में जो आज सिक्स हंड्रेड में और न्यू टेक्नोलॉजी में आ रही है दो हज़ार इक्कीस में और दो हज़ार बाईस के जो मॉडल आए हैं उनमें दोस्तों अक्सर का एक फॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है जिस जो कि लीकेज इनमें आ रही है और बहुत ही ज़ोर शोर से ये कंप्लेंट हमें देखने को मिल रही है मैंने मैं तो वैसे पहले ही इसके ऊपर एक दो वीडियो बना चुका हूँ आज फिर मेरे पास एक ऐसा मसला आया जिसके ऊपर अगर किसी दोस्त के साथ भी ये प्रॉब्लम आए तो हम उसको दोस्तों रिजॉल्व कर सकते हैं लेकिन इस तरह से जो आ रहे हैं रेफ्रिजरेटर इनमें ओपन नहीं है अंडरग्राउंड चैम्बर जो है इन्होंने यूज़ किया है और इसमें दोस्तों अक्सर हमें लीकेज देखने को मिल जाती है और तकरीबन साल में या डेढ़ साल में इसकी लीकेज लाजमी मिल रही है एक ऐसा ही केस आज भी हमारे पास आया है जो देख रखते हैं आपके सामने ये कंप्रेसर यूज है में तो इसकी लीकेज जहाँ पे हमारा जहन भी नहीं मानता था वहाँ से इसकी लीकेज जो है शो हुई है अक्सर का क्या होता है कि हम इसकी नीचे वाले पोर्शन में लीकेज हो जाती है जो मैंने पहले वीडियो बनाई है उसके नीचे वाले पोर्शन में लीकेज मिलती रही है तो आज एक अलग जगह से लीकेज मिली है जिसकी वजह से मैं मजबूरन मैंने ये वीडियो बनाई ताकि किसी दोस्त के साथ भी इस तरह का कोई मसला आए तो वो इसको ईज़िली रिजोल्व कर सके और इस चीज़ के ऊपर तोजह ध्यान से चेक करें कि इसके ऊपर भी मसला हो सकता है तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बनाई और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ ये अक्सर का क्या होता है ज्वाइंट होते थे पहले कॉपर के जॉइंट देते थे वो वाले अब जॉइंट भी नहीं है सिल्वर के ही जॉइंट हैं सारा कुछ ऊपर नीचे कनेक्शन जो होते हैं ऊपर नीचे वाले पोर्शन के पहले जॉइंट चोड़े होते थे हम उसको खोल के बड़े रिंग करते इसको अलग से चेक भी कर सकते अब सारे के सारे ही दोस्तों जॉइंट भी सिल्वर के दे दिए हैं और कापर का नाम निशान भी नहीं है सिर्फ सिर्फ कंप्रेसर को जो रिटर्न पाइप दिया है वो हल्का सा कापर का जो कैपली ट्यूब है वो कापर की है बस और ये देख लें आपके सामने <coughs> सारी मैंने खोली है ओपन की है और जहाँ से मुझे ये मसला मिला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जो आपको फ़िल्टर नुमा कामोलेटर नज़र आ रहा होता है ये भी पहले होता था हायर में अभी तक भी मेरे ख्याल में वो आ रहा है कापर में आ रहा है ये जो कामोलेटर है तो अभी इन्होंने देख लें ये सिल्वर कर दे दिया और सिल्वर की गेज भी बहुत हल्की यूज़ की है जिसकी वजह से ये मसला आता है तो अब मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी लाए ला हैं जो न्यू मॉडल आ रहे हैं ये देख लें अब इसका तकरीबन साल एक साल से एक आधा मंथ तकरीबन ऊपर होगा बस इतना है कि ये यूनिट चला है और उसके बाद उसकी आपके सामने ये कंडीशन है हालांकि ये कामोलेटर बहुत मोटाई में होता है और ये भी हल्की इंगेज में यूज़ किया गया है ये देख लें और इन मॉडल जितने भी हैं इनमें काफ़ी ये हमें कंप्लेंट देखने को मिलती है तो जब भी इस तरह का मसला आया कि बिल्कुल माइनर से लिखी जाए तो ये आपके सामने है तो अब हम इसको क्या करें इसको हम रिपेयर भी करेंगे और आपके साथ वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगा तो ये वीडियो मेरा बनाने का मज़ मकसद ये था कि आपने ये जॉइंट भी चेक करने और नीचे वाला पोर्शन जो है अक्सर टेक्नीशियन का जहन भी यही होता है कि नीचे वाली साइड जो है ज्यादा लीक होती है और मेरा खुद का भी यही मानना था कि नीचे वाली साइड जो है ज़्यादातर लीक होती है तो इस वीडियो में कुछ मुख्तु देखने को मिला है हमें तो इसलिए आपके साथ ये तरीका जो है शेयर किया गया है उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट ने वीडियो में अल्लाह हाफिज़